सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं दी एडम फैमिली के एक रीबूट के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात आप सबको पता है कि दी एडम फैमिली के दो पार्ट आए थे और दोनों ही पार्ट काफी अच्छे बनाए गए थे और पर्सनली मुझे वो दोनों पार्ट बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन इसके बाद एक और पार्ट आया था जो इतना खास तो नहीं बनाया गया था, तो हम उस पार्ट की बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। और आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे कि ये दोनों पार्ट हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो मैं ये बता दूं कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट हिंदी में अवेलेबल है लेकिन फर्स्ट पार्ट अब तक हिंदी में तो नहीं आया है। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बैरी सोनीफील्ड ने, जिन्होंने इसके पहले MIB के तीनों पार्ट बनाए हैं। तो अब इस फिल्म का अपडेट ये है कि MGM स्टूडियो ने इस सीरीज को रीबूट किया है, लेकिन इस बार ये रीबूट एनिमेटेड है। जी हाँ, इस फिल्म को अब एनिमेटेड कर दिया गया है। तो रिसेंटली MGM स्टूडियो ने इसका फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है जो ये है। वेल, तो इस लुक को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म अच्छी बनने वाली है। वैसे ये एक आर्ट कॉन्सेप्ट है जिसे देखने के बाद हमें फिल्म का आइडिया हो जाता है। और साथ ही साथ स्टूडियो ने इस फिल्म की कास्टिंग भी रिवील कर दी है कि इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर कौन कौन से कैरेक्टर को अपनी वॉइस दे रहे हैं। तो अगर उन पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले एक्टर है ऑस्कर इसिक, जो इस फिल्म में गोम्स एडम का रोल करने वाले हैं। फिर उसके बाद चार्लिज थेरॉन, जो इस फिल्म में मोरिकिया एडम्स का रोल करने वाली है। उसके बाद वेडनेसडे का रोल चेलो ग्रेसी करने वाली है और पिक सेली का रोल थिंग वुल्फ हार्ट करने वाले हैं, जिन्हें हमने इसके पहले स्ट्रेंजर थिंग टीवी सीरीज में देखा है। और अंकल फेस्टर का रोल कर रहे हैं निक क्रोल और ग्रैंडमा का रोल कर रही है बीटी मेडरली और मैर्ग्यूस का रोल एलिसन जेनी करने वाली है। और अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कॉरेट वेरनॉन, जिन्होंने इसके पहले सुसेज पार्टी, श्रेक 2, मॉन्स्टर वर्सेस एलियन और मेडागास्कर 3 बनाई है। तो इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि वो कैसे डायरेक्टर है। और अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की रिलीज डेट की। वेल, तो इस फिल्म की रिलीज डेट है 11th October 2019, यानी ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी, जिसे फिलहाल तो अभी काफी टाइम है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।